हेलो, हमारा पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर में जो हम सबसे पहली चीज़ पढ़ेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। तो अगर हम न्यूट्रिशन को डिफाइन करें तो न्यूट्रिशन का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हमारी बॉडी फूड को बॉडी के अंदर लेकर जाती है और यूज़ करती है। सो द प्रोसेस बाय विच द बॉडी टेक्स इन फूड एंड यूजेस फूड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, राइट? न्यूट्रिशन, खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है, हम मेंटली अलर्ट रहते हैं और हमें बीमारियाँ नहीं होती हैं। तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना खाना और उसको इस्तेमाल करने है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स किस तरह से खाना बनाते हैं और प्लांट्स किस तरह से खाने को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला टर्म है न्यूट्रिएंट्स। व्हाट इज़ ए न्यूट्रिएंट? खाने का वो हिस्सा जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है उसे हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। सो पार्ट्स ऑफ फूड नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट कितने प्रकार के होते हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा दैट देयर आर सिक्स टाइप्स। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, इनका काम है हमारी बॉडी को एनर्जी देना। नेक्स्ट प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, ये हमारी हमें ग्रो करने में मदद करते हैं, हमारी बॉडी को रिपेयर करने में मदद करते हैं और नए मसल्स बनाने में भी मदद करते हैं। सो दीज आर द फाइव न्यूट्रिएंट्स दैट वी हैव टू टेक विद फूड। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे ये कुछ बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं। आपने सिक्स न्यूट्रिएंट्स बेसिकली किए होंगे। पहला न्यूट्रिएंट है हमारा कार्बोहाइड्रेट, इसमें आ जाता है ब्रेड, इसमें राइस भी आ सकता है, इसमें चपाती वीट भी आ सकता है और इसमें आलू पोटैटोस भी आ सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ गोइंग टू बी फैट्स। फैट्स हमारे अंडों में होते हैं, हमारे मिल्क में होते हैं, हमारे घी तेल बटर में होते हैं और इन दोनों से हमें एनर्जी मिलती है। वी गेट एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड फ्रॉम फैट्स। जो अगला न्यूट्रिएंट हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी प्रोटीन। प्रोटीन आप जैसे कि देख सकते हैं दालों में, मीट में, फिश में, एग्स में और मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। प्रोटीन से हमारी बॉडी को ग्रो करने में मदद मिलती है। अगला है मिनरल्स। मिनरल्स फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में मिनरल्स प्रेजेंट हैं एंड विटामिंस वेजिटेबल्स में बेसिकली विटामिंस प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिंस ये हमारी बॉडी को ग्रो करने में मदद करता है, हमारी बॉडी को रिपेयर करने में मदद करता है और न्यू मसल्स बनाने में मदद करता है, न्यू मसल्स। सो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा वाटर भी एक पार्ट आ जाता है और हम एक रफेज को भी न्यूट्रिएंट का एक हिस्सा मानते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, न्यूट्रिशन। जैसे कि हमने डिस्कस किया था द मेथड ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट एंड यूजिंग देम। न्यूट्रिएंट को हम अपने शरीर में किस तरह से लेकर जाते हैं और इसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। सबसे पहले तरह का न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स ऑटोमेटिकली। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खुद का खाना बनाता है, मेक द ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मतलब है जो लिविंग बींग्स में की शरीर में ना बने, जैसे कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमें हवा से या पानी या मिट्टी से मिलते हैं, ज़मीन से मिलते हैं। तो इस तरह के इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से जब हम अपना खुद का फूड बनाते हैं देन दैट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट से अपना खाना बना सकते हैं। कॉमन एग्जांपल प्लांट और एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हम कहते हैं बैक्टीरिया। इसे हम देख नहीं सकते, इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। सो द नेक्स्ट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकते और जिन्हें प्लांट्स को खाना पड़ता है या एनिमल्स को खाना पड़ता है उन्हें हेटरोट्रॉफ कहते हैं। और इस तरह की न्यूट्रिशन को हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे कि एनिमल्स, हम भी किचन में अपना खाना तो खुद बना लेते हैं लेकिन हमें खाना बनाने के लिए या तो प्लांट
या किसी एनिमल की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हम सब्ज़ी बना सकते हैं या मीट बना सकते हैं, बट हम इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना खाना नहीं बना सकते, इसीलिए हम भी हेटरोट्रॉफ्स हैं। अगली तरह का न्यूट्रिशन है सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म में अपने केमिकल रिलीज करते हैं, इन केमिकल्स को हम इंजाइम्स कहते हैं, जिसके वजह से ये डेड ऑर्गेनिज्म ब्रेक हो जाता है इनटू स्मॉलर न्यूट्रिएंट्स, और ये ऑर्गेनिज्म इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसे हम सैप्रोट्रॉफ बोलते हैं, और इस तरह के न्यूट्रिशन को सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। कॉमन एग्जांपल फंगस, जैसे कि ब्रेड, कोई ब्रेड का टुकड़ा हो तो उसके ऊपर अगर फंगस ग्रो करे तो फंगस अपना केमिकल रिलीज कर देती है जिसे इंजाइम्स कहते हैं। इस इंजाइम की वजह से ये ब्रेड लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और ये लिक्विड फॉर्म आपका फंगस फिर एब्जॉर्ब कर लेता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म रेडीमेड खाना लेता है किसी जिंदा लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जिसे होस्ट कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाना लेता है उन्हें हम पैरासाइट कहते हैं, और इस तरह की न्यूट्रिशन को पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। कॉमन एग्जाम्पल कस्क्यूटा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।